వెల్కమ్ బ్యాక్. కర్ణాటక ప్రభుత్వంపై కావాలనే బీఆర్ఎస్ బురద చల్లుతోందని విమర్శించారు కర్ణాటక అటవీ మంత్రి ఈశ్వర్ ఖండ్రే. డీకే శివకుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్ఎస్ పై పరువు నష్టం దావా వేస్తామంటున్న కర్ణాటక అటవీ శాఖ మంత్రి ఈశ్వర్ ఖండ్రేతో మా సంగారెడ్డి ప్రతినిధి ఆసిఫ్ ఫేస్ టు ఫేస్. తెలంగాణ మే హర్ తరఫ్ కాంగ్రెస్ కా వేవ్ హై, కాంగ్రెస్ ప్రచండ బహుమత్ సే విజయ్ హో రహా హై. हैदराबाद लोकसभा के एरिया में इतने विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर फिर रहा हूँ. कल अब्दुल्ला गए थे, परसों हैदराबाद में थे, आप नारायणगेट में आए हैं. तो भाई जो लोगों में उत्साह देख रहा हूँ, खास करके युवकों में, महिलाओं में, हर जगह पे जो बीआरएस का जो ना जल विरोधी नीति है, ब्रह्मांड भ्रष्टाचार है, लोगों को धोखा दिए, इसको उखाड़ फेंकने के लिए पूरे कार्यकर्ता है, लोग तैयार हो गए हैं. तो आने वाले चुनाव में बिल्कुल 100% कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी. और जो कांग्रेस के कार्यकाल में सोनिया जी के और सभी हमारे नेता मिलके तेलंगाना को जो अलग राज्य बना के दिए थे, उसका उपकार स्मरण आज लोग कर रहे हैं. तो मैं पूरा यकीनन कह सकता हूं कि टीआरएस को उखाड़ फेंक के कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी. ऐसे मंत्री उस्तवारी मंत्री हुए, पालक मंत्री बीदर का, जितने भी भरोसे हमने दिए थे पूरे भरोसे हमने अमल किया है. गृहलक्ष्मी योजना में आज बीदर जिले में महीने को 60 करोड़ आ रहा है, हर साल को 750 करोड़ रुपए. कर्नाटक सरकार इस बार 52,000 करोड़ रुपए बजट में रखे हैं, बजट का कॉपी है. बिजली दे रहे हैं हम, सुबह प्रचार कर रहे हैं, पेपर में डाल रहे हैं, ये सब गलत है. बेंगलुरु में अगर बिजली नहीं रहती थी, इतने बड़े कंपनियां चलते देखे हो, क्या झूठ बोलने का भी एक हद होता है. ये लोग पूरे झूठ बोल के अधिकार में आए और लोगों को दिशाभूल करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत है. हम जो भी वायदे किए थे पूरा अनुष्ठान में ला रहे हैं. तेलंगाना में भी जितने भी गारंटी हमने दिया है, पूरे गारंटी, 6 गारंटी हम आरोप पहले लेके आएंगे. कौन बोला है, ये क्यों झूठ बोल रहा है? हम 24 घंटे जो घर में है, पूरे जो है सिंगल फेज 24 घंटे विद्युत दे रहे हैं. ऑर्डर कॉपी देता हूँ, जाके बाहर में बाजू में बगल में ही आपके कर्नाटक का जो है ना गांव है, बीदर है, कई गांव आते हैं, वहां पर जाके पूछ सकते हैं ना. ऐसे ही झूठ अपप्रचार करेंगे तो उनके ऊपर मानहानी मुकदमा डालेंगे.